भरतपुर में सैनी समाज आरक्षण आंदोलन से जुड़ी खबर है। आंदोलन के चलते जिला प्रशासन ने फिर बढ़ाई 24 घंटे के लिए नेटबंदी। नदवई बैर भुसावर क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक रहेगी नेटबंदी। आंदोलन के चलते पिछले 7 दिनों से नेटबंदी है। जयपुर आगरा राजमार्ग पर चल रहा है सैनी समाज का आंदोलन। जानकारी के लिए संवाददाता सतपाल हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हुए हैं। सतपाल, सैनी समाज का आंदोलन लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आरक्षण सैनिक समाज और ये आरक्षण को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, ये अभी शांत होने का नाम ले रहा है। जी जो मृतक मोहन सिंह था, उसने मोहन सिंह मृतक की ये 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार द्वारा अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। कल जो सैनिक समाज का प्रतिनिधिमंडल था, कैबिनेट मंत्री भजनलाल यादव के साथ उन्होंने वार्ता की है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला है। आज बताया जा रहा है कि एक सैनिक समाज का एक प्रतिनिधिमंडल सीकर जा रहा है, जहाँ सीएम का प्रोग्राम है सीकर में, और वो सीकर जाकर सीएम से वार्ता करेंगे, उसके बाद कोई रास्ता निकल सकता है। सैनिक समाज की मांग है कि जो मृतक मोहन उसको 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए, तब ये आंदोलन समाप्त करेंगे। जी जी सतपाल, इस आंदोलन को लेकर नेट बंदी भी है कई दिनों से, तो क्या आज नेट बहाल की जाएगी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंदोलन का आज 8वां दिन है और तब से ही ये नेट बंद किया हुआ है। समाज ने आज रात को 12 बजे तक नेट बंद किया है और जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक शायद ये नेट भी बंद रहेगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल आपका तमाम जानकारी के लिए।